हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और नाज़रीन आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव कसूर पर फिर से। नाज़रीन, बुल्ले शाह का ये शहर कसूर खूब बदनाम हुआ। ज़ैनब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 6 साला मासूम बच्ची को मुतद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद इसका गला घूंट कर इसको कत्ल कर दिया गया। बच्ची के चेहरे पर तशद्दुद के वाज़े निशान थे, पट्ठों में खून जमा हुआ था और ज़बान दांतों के दरमियान आने के बायस बुरी तरह से ज़ख्मी थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि गला घोंट कर कत्ल किया गया। ज़ैनब 4 जनवरी को लापता हुई थी और अगवाकारों ने इसको मारने से पहले 3 से 4 रोज़ इसको यरगमाल बना के रखा। पोस्टमार्टम से वाजे पता चलता है कि ज़ैनब के साथ बुरी तरह और बदतरीन किस्म की ज्यादती हुई थी। इसके जिस्म पर कीचड़ और खून पाया जाता है नाजरीन, लेकिन अब इस बच्ची की लाश पर शुरू हुई है बदतरीन सियासत। लिहाजा अगर आपने इस जुर्म को खत्म करना है और करार वाकई सजा देनी है मुल्जिमों को, मुजरिमों को, कातिलों को, दरिंदों को, तो गिरेबान पकड़ना होगा शहबाज शरीफ का, गिरेबान पकड़ना होगा राणा सनाउल्ला का। बरतरफ करो, तलब किया जाए शहबाज शरीफ साहब को। जो आवाम ने रिएक्ट किया शाम को, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को अटैक किया, जो लोग निकले और जो पुलिस ने किया जब लोग निकले और जो 3 लोगों को गोलियां मारी और सारी वो फिर टीवी के सामने जब मारी, तो लोगों का रिएक्शन ये था जो ज़ैनब के बाप का रिएक्शन था। उन्होंने कहा पुलिस से हमें नहीं इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ हमें इंसाफ दे, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दे। इसका मतलब कि लोगों का जो एतमाद है गवर्नमेंट पे और पुलिस पे वो जीरो है। मुजाहरीन ने आज भी नून लीगी एमपीए नईम सफदर के डेरे को आग लगा दी। मुश्तर मुजाहरीन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में धावा बोला, ट्रैफिक ब्लॉक की और इस सूरत हाल से घबराकर डॉक्टर और दीगर तिबी अमला अस्पताल से भाग गया। एक पुलिस वाला मुजाहरीन के हाथ चढ़ गया, जिसकी खूब पिटाई हुई। कल के रोज़ मुजाहरीन और पुलिस में झड़पों के दौरान जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की नमाज जनाजा आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने पढ़ी, जबकि कल ज़ैनब का जनाजा तायरुल कादरी साहब ने पढ़ाया। इस्लामाबाद, पिशावर, कराची, क्वेटा, मुल्तान समेत मुल्क के बहुत से दीगर शहरों में ज़ैनब के कातिलों की गिरफ्तारी जारी है। आज हमारे साथ हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब, कसूर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आपका ताल्लुक कसूर से है। आज न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान फैज़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने सिर्फ ये जो मामला है ये कवर नहीं किया, मगर जो 2015 में चाइल्ड सेक्स स्कैंडल सामने आया था उसको भी आपने कवर किया था। सबसे पहले इमरान, आपकी जानिब आऊँगी, इस वक्त मुजाहरे जो हैं वो थमे नहीं हैं, जो मुजाहरीन हैं उनके क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल मनीजे, मैं आपको बताऊं, कल भी सारा दिन कसूर रहा, आज भी सारा दिन कसूर में यही तशद्दुद के दौरान वाकया पेश आते रहे। आज भी पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें होती रही, पुलिस और मुजाहरीन आपस में पथराव करते रहे और वाटर कैनर का इस्तेमाल भी किया गया, शेलिंग भी की गई। इसके अलावा मुजाहरीन जो है वो आज भी पुरतशद्दुद रहे, उन्होंने DHQ हॉस्पिटल पर भी दावा बोला, उसके बाद लीगी MPA। इमरान, उनका इस वक्त मुतालबात क्या है, मुजाहरीन के क्या मुतालबात है? जी मनीजे, मैं आपको बताऊं, मुजाहरीन का मुतालबा जो शुरू से पहले दिन से एक ही है, जस्टिस फॉर ज़ैनब, इंसाफ और ज़ैनब के जो कातिल का वो मिलना चाहिए, हर सूरत मिल जाए। लेकिन वो इंसाफ लेने निकले थे कि 2 आदमी मजीद पुलिस वालों ने मार दिए, जिनकी आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई, लेकिन ज़ैनब को इंसाफ नहीं मिल सका, बल्कि 2 मजीद लाशें और मिल गई। ठीक,
मलिक अहमद खान साहब, देखें ये जो हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं कि दो लाशें और मिल गईं, ये बताइए कि ये जो शूटिंग का ऑर्डर था ये किसने दिया था? मुनीजा देखें, जो रिपोर्टर आपके बता रहे हैं, मैं वो फैक्ट्स हैं वो दुरुस्त बता रहे हैं कि ज़ैनब का वाक़या हुआ है, ये हमारे इल्म में है, आप भी जानती हैं, उसकी तफसीलात कुछ हैं, मैं प्रोग्राम के आगे चल के आपको अगर आप पूछेंगी तो मैं ज़रूर सबमिट करूंगा। इसी तरह से कल जो दो प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग हुई है वो भी कैजुअलिटी और लाइफ लॉस का सबब बनी है। मलिक साहब, ये हकायक है, मगर लोग जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल टाउन का सानिया इतना बड़ा सानिया था, उसके बाद हम समझ रहे थे आप लोग मोहतात होंगे, मगर आप लोगों ने तो स्ट्रेट फायरिंग कर दी पंजाब हुकूमत ने मुजाहिरीन के ऊपर, तो ये ऑर्डर किसने दिया था कि जी आप गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं देखिए, ये वाक्या जिस तरह पेश आया है आपको वाक्या पहले देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि ऑर्डर किसने किया या नहीं किया। ये जब प्रोटेस्टर्स कल प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट बार कसूर की प्रेमिसेस में प्रोटेस्टर्स ने कुछ गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसाए और फिर बार की प्रेमिसेस के अंदर चले गए, वहाँ पर वकला के साथ उनकी मतभेड़ हुई और वकला कुछ तादाद में उनके बराबर ही थे और ये फिर वहाँ से थोड़ा पसपा होकर डिप्टी कमिश्नर के कॉम्प्लेक्स में आ गए। जब ये डिप्टी कमिश्नर के कॉम्प्लेक्स में आए हैं तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ ये डंडे सोटे लहराते हुए जा रहे थे तो वहाँ पर जो गार्ड ड्यूटी पर मौजूद था पुलिस यूनिफॉर्म में, उस पुलिस पर्सनल ने फायर किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, उसने किसी के ऑर्डर पर नहीं किया। आपको आपके पास वो वीडियो होगी जिसमें उसके साथ वो वीडियो हमारे पास है, फायर वो हम चलाते भी रहे हैं कल जी, वो आप ये कह रहे हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको आपने अब अरेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर 302 का पर्चा भी हो गया है और भी 16 पुलिस एहलकार हैं जिनके ऊपर आपने पर्चा किया है और वो अनआइडेंटिफाइड हैं, उनके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी? देखिए वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर की कॉम्प्लेक्स है उसमें उस वक्त जो पुलिस और पुलिस के मुलाजमीन मौजूद थे और जिसने फायर किया है और जो उसके साथ मौजूद था, इवन कि जिसने एरियल फायरिंग की है उसके खिलाफ भी पर्चा दे दिया गया, ये उनको कतई तौर पे डायरेक्ट शूट नहीं करना चाहिए था, वो डिप्टी कमिश्नर की सिक्योरिटी पर मामूर थे और उसने शायद ये समझा, जो उसकी स्टेटमेंट इनिशियल स्टेटमेंट आई है उसने ये समझा कि ये जितने लोग आ रहे हैं ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर हमलावर होने आ रहे हैं और उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन। अच्छा अब आगे बढ़े, प्रोटेस्टर्स थे उनको एंगेजमेंट, ये बताइए कि ज़ैनब केस के अंदर इस वक्त आपने किसी को हिरासत में लिया है? क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए थे कि 24 घंटे के अंदर हम जो भी मुलजिम है उसको सामने ले आएंगे। अब मुनीजे देखिए, इसमें जो हमें क्लू मिला है उस क्लू की बुनियाद पर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे उस लीड की वजह से आगे चल रही है। सीसीटीवी की फुटेज में जो बच्ची है उसको उसके पेरेंट्स ने पहचाना है कि ये बच्ची ज़ैनब है और जो आदमी उस बच्ची को साथ लेके जा रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी आपने वो फुटेज देखी है तो आपको नज़र आएगा कि वो फुटेज जो है उसमें बच्ची ने रादर के वो बंदा साथ ले जाने वाला बच्ची का हाथ पकड़ कर ले जाए, बच्ची ने उस आदमी की उंगली पकड़ी हुई है। सो इस एक बेसिक अजम्पशन पे कि वो बच्ची जो उसके साथ इतने कम्फर्ट लेवल में जा रही है इसकी बुनियाद पर आगे लीड चली है और वो जो बंदा है उसी लोकेलिटी से है या उस वो कोई थोड़ी नियर अराउंड लोकेलिटी से है। आप लोगों ने जारी किया है मलिक साहब, वो स्केच वाजे कर दीजिए, क्या वो सही स्केच है और उसी इंसान का है जिसने ये तशद्दुद किया ज़ैनब के ऊपर, या ये कोई गलत स्केच चल रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर? नहीं देखिए, जो स्केच पहले ड्रॉ किया, क्योंकि ये एक ड्राइंग के नतीजे में स्केच बनता है, ये कोई फ्रेंसिक की किसी एक्सपर्टीज की बुनियाद पर नहीं बना, वो सीसीटीवी की वजह से जितनी भी आप उसकी, नहीं वो उसकी जो होती है वो क्योंकि ह्यूमन डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है या वो आप अपनी एक असेसमेंट पर बना रहे होते हैं, आपके तो ये सीसीटीवी फुटेज से नहीं बना ये स्केच। नहीं, ये डिस्क्रिप्शन के साथ जो डिस्क्रिप्शन उसकी सीसीटीवी फुटेज पर आ रही है उस फुटेज के सामने रख के उसको ड्रॉ किया गया, क्योंकि उसकी तस्वीर जो है वो इवन कि हमारी फ्रेंसिक साइंस लैब में अच्छी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है लेकिन
उसके साथ भी कोई बड़ी वाजे फोटो पहले नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ उसको फर्दर हमने जब डेवलप किया और सारी रात उसके ऊपर, इवन लास्ट नाइट और आज का दिन भी सारा उसके लिए कंज्यूम हुआ, उसकी अब कुछ बेहतर पिक्चर सामने आ गई है, जिसकी बुनियाद पर हमने कुछ अपनी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं। और वो टीम्स जो हैं वो क्योंकि उसकी एक एज ब्रैकेट है, उस एज ब्रैकेट के मुताबिक हम उसको देख रहे हैं कि इस हाल और हुलिये के लोग इस लोकेलिटी में कितने हो सकते हैं, फिर उनको फर्दर इंटेरोगेट करने के लिए, क्योंकि अभी साइड बाय साइड दो सिचुएशंस चल रही हैं। जी मुझे मालूम है दो सिचुएशंस चल रही हैं, मगर इमरान आपसे पूछूंगी कि जो पहले भी बच्चे जिनके साथ इस तरह तशद्दुद हुआ और उनकी फिर जिस्म उनके लाशें पाई गई, तो उधर भी ये कहा जा रहा था और पुलिस अहलकार ही ये कह रहे थे कि जो डीएनए मिला है वो एक ही इंसान का मिला है, तो क्या ये पहले नहीं स्केच जारी हुआ, क्या कोई पहले कोई काविशें नहीं हुई कि ये बंदा मिल जाए? जी मनीषा, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये है, मैं आपकी बात ठीक है, ये पुलिस ने जो पहले भी ये जो स्केच स्क्रीन पर चल रहा है ये इस बच्ची के बाद नहीं स्केच है, ये मैं आपको बताऊं 2 माह पहले ये कायनात बच्ची इसी मोहल्ले से थोड़ी दूरी के फासले पर, जो आज भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में डीएचके हॉस्पिटल में एडमिट है और इंतहाई करीब आदमी की वो बच्ची है, उस वक्त ये स्केच जारी किया था। और इस मैं ये भी बताऊं, इस स्केच पर बहुत ज्यादा पकड़ तकड़ भी की गई थी, लोगों को डीएनए टेस्ट भी किए गए थे, लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर वही वाइंड अप हो गया, फिर मामला स्टॉप हो गया। अगर उसी पर काम होता रहता तो आज ये दोबारा जहरम शिकार ना होती। और मलिक अहमद साहब, जो मलिक अहमद साहब, आई लाइक यू टू रिस्पॉन्ड हियर। देखिए, जो जिस स्केच की आपके इमरान जिस स्केच की बात कर रहे हैं, वो प्रॉबेबली शायद कोई ऐसा स्केच होगा जो टीवी स्क्रीन्स पर विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई चल रहा हो, कोई डिफरेंट स्केच हो सकता है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो ऑफिशियली आपको दिया जाएगा। ऑब्वियसली वो स्केच जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वो आपके सामने ज़रूर आएगा। अभी जो उसकी ड्राइंग हमारे पास है वो मैंने आपको उसका अर्ज किया, उसकी बुनियाद पर हमने उस मुशाबत के लोगों को काफी एक मलिक साहब, आप आर यू क्लोज टू गेटिंग टू द कल्प्रिट और आर यू नॉट? मनीजे, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ये कल्प्रिट जो है इंशाल्लाह इसको हम विद इन, हम क्लेम तो ये कर रहे हैं कि जो हमें लीड मिली है ये हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, एंड आई कैन अश्योर यू कि होपफुली वील ट्राई टू इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका, ये लंबी बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द एप्रीहेंड हो जाएगा। जी चले, अनदर प्रॉमिस, मगर इसके ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि जो इनकाउंटर्स होते रहे हैं इन केसेस से मुतल्लिक, उससे क्या आपको ज्यादा शवाहिद मिले हैं? क्या ये सही आपने एक इकदाम उठाया था कि आप इनकाउंटर्स में लोगों को या जो सामने लोग मिलते थे उनको ही आप हलाक कर देते थे? ये मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं कसूर सानिये के बारे में। हमारे साथ हैं इस वक्त मलिक अहमद साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, इमरान फैजी साहब कसूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर। इमरान, आप एक सवाल करना चाह रहे थे मलिक साहब से, करिए। जी बिल्कुल मनीषा, मैं मलिक साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कसूर की नामवर शख्सियत है, बड़े नाइस पर्सन, से ये सवाल मैं करना चाहता हूँ कि देखिए कसूर में जितने वाकयात हुए हैं, 14 बच्चियों को जो वाकयात हुए हैं, सबको पता है कि एक दिन बच्ची गवाह थी, दूसरे तो उसकी लाश बरामद होती है। अब ये देखिए 25 जैनब का जो वाक्य पेश हुआ है, जब इसको अगवा किया गया तो डेफिनेटली सबके जहनों में गया कि ये अगवा हो गई है, अब इसकी दूसरे से लाश, लेकिन 4 दिन बच्ची उसके पास रही है, उस दौरान 4 दिनों के दौरान हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया, हमारी एजेंसी क्या एफर्ट करती है? इंपॉर्टेंट सवाल मलिक साहब। मुनीजे, देखें, ये मैं इमरान के इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो उनका ये कंसर्न है कि जब 4 दिन पुलिस को मिले और 4 दिनों में पुलिस ने, मगर सर वहाँ पे पुलिस कर क्या रही थी, लोग ये पूछ रहे हैं। मैं इसी बात की वजाहत करने की कोशिश करूँगा, शायद होपफुली मैं आपको ये बता सकूँ कि जो पुलिस के पास जब केस रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ पर उनको एक अपना सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना चाहिए था, वो जो SOPs इन प्लेस आने चाहिए थे, वो नाइवटी हुई तो ये वाक्या पेश आया। अगर वो करेक्ट मेजर लेते ही पुलिस उस टाइम पर, तो इसी बुनियाद पर उस DPO की सरजनिश की गई, उसको OSD किया गया, उनकी अगर वहाँ पर ये कोई प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते तो शायद इसको प्रिवेंट किया जा सकता था। गॉड नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि पुलिस सही तरीके से नहीं
देखिए मैं मुनीजे मुझे एक ए, ए, एक मैं आपसे एक बात की मुझे इजाज़त दे दें। देखिए क्रिमिनल एक्ट को, हर क्रिमिनल एक्ट के अपने फैक्ट्स होते हैं, हर क्रिमिनल एक्ट की उसकी अपनी डिटेल्स होती हैं, उसका एक मोडस ऑपरेंडी होता है। पुलिस का काम होता है उस क्रिमिनल एक्ट को पकड़ना। मैं फिर से आपसे पूछती हूँ कि फिर जब ऑपोजिशन कहती है कि मुझे, आपकी हुकूमत को बरतरफ होना चाहिए, फिर वो ठीक कहते हैं ना सर? नहीं देखें, एक सेकंड ठहरे, एक देखें, अगर आपका मकसद हुकूमत को बरतरफ करना है या क्राइम को डिटेक्ट करना है तो ये दो अलहदा बातें हैं। अगर आप मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपको इस क्राइम की डिटेल्स बताऊं, क्योंकि आप सानिया कसूर पे प्रोग्राम कर रही हैं, चलें आप जरूर बताइए, वक्त की किल्लत होती है, मैं चाहती हूं आपकी बात सामने आ जाए, रहना जाए। चलें तो फिर उस वक्त की किल्लत के लिए ज्यादा मुनासिब है कि आप मुझे अपने सवाल का जवाब देने दें, क्योंकि शायद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। दीजिए जी। देखिए मुनीजे, गुजारिश ये है कि ये मामलात जो जिस बात पर हम कह रहे हैं कि ये एक ही सीरियल ल्यूनेटिक किलर है जो ये वारदात कर रहे हैं, ये 2000 पिछले साल के अवाइल से कुछ ऐसी वारदातें मिलनी शुरू हुई जिनमें उनका मोडस ऑपरेंडी एक ही है। वो बंदा जब लाश फेंकता है तो एक ही पैटर्न पर फेंकता है। अब उसकी सर्वेलेंसेस पुलिस ने की, अब जब उसकी सर्वेलेंसेस की तो उसने अपना पैटर्न चेंज किया। पहला पैटर्न उसने ये चेंज किया कि उसने जो पहली बॉडी फेंकी थी उसने फेंकी आके एक अबैंडन्ड अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। सर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये हम दे चुके हैं, चूंकि वक्त की किल्लत होती है मैं आपसे तो फिर इसके 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 बाद की जो बात है वो ये है कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि में मिला है उसकी बुनियाद पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो परपेट्रेटर जो है उसको हम अप्रीहेंड कर लें, उसको पकड़ें। अच्छा, और उसके लिए हमें आपकी मीडिया ने जितना नहीं, हम आपकी अच्छा आपकी मदद करेंगे। मगर मलिक साहब, इमरान फैजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 2015 में जो सानिया हुआ था कसूर के अंदर, वो भी हमने कवर किया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि पुलिस लोगों को पकड़ती थी, और उन लोगों को पकड़ती थी जो बेकसूर भी होते थे, और फिर कई जगहों पे उनका इनकाउंटर भी हो जाता था। आपने बल्कि पंजाब पुलिस के पर ये इल्जाम लगता है कि मोहम्मद शफी का उन्होंने इनकाउंटर किया था, कहा गया था वो कसूर सानिया से जो बच्चों के साथ जाती हुई थी उसके साथ उसका नाम आया था, उसका नाम जुड़ा हुआ था, और फिर उसकी जो बॉडी थी वो जिना अस्पताल से मिली थी। तो जब आप इनकाउंटर कर देते हैं तो फिर लोग शवायद तक, असल मुजरिम तक पहुंच ही नहीं सकते। पुलिस इनकाउंटर करती क्यों है? ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल देखें, अगर आपने वो जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ी होती जिस रिपोर्ट में उस वाक्य की पूरी तफ्तीश मौजूद है और उसके अंदर एविडेंस मौजूद है, मैं आपको वो ज़रूर भेजूंगा ताकि आपके इस सवाल पर भी, क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा होगा, उस जीआईटी की तफ्तीश ने विद एविडेंस ये प्रूव किया कि वो एक्सीडेंट था और वो किसी सूरत में भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं अच्छा, थी। एक और सवाल का जवाब मलिक साहब दे दे, फिर मुझे वक्फा लेना है। और वो सवाल ये है कि हमने जितने भी बच्चों के माँ बाप से बात की जिनके साथ ये ज्यादती हुई थी, उन्होंने कहा कि पुलिस किसी ना किसी को पकड़ लेती है, हमें बुलाती है और कहती है आइडेंटिफाई करें। हमें कहती है कि यही बंदा था जिसने तुम्हारे बच्चे के साथ ज्यादती की और कत्ल कर दिया। वो फिर बाद में एक और हादसा हो जाता है, फिर पुलिस कहती है, ये लोग कहते हैं कि या तो पुलिस मुलव्वस है या पुलिस जो है वो नेग्लिजेंट है, दोनों में से एक है। तो फिर ये बार बार आप किसको बुलाते हैं, किसको आप हिरासत में लेते हैं, तफ्तीश करते हैं और सजा देते हैं? देखिए मुनीजे, किसी भी केस में जब आप कोई मुलजमान का तयन कर रहे होते हैं तो आपको कई लोग एप्रीहेंड करने पड़ते हैं जो बाद में आपको छोड़ने पड़ते हैं कि वो मुलजमान जो हैं वो मुजरिम साबित नहीं होते, आपका जो शक होता है वो दुरुस्त साबित नहीं होता, एक तफ्तीश है। अभी देखें जैसे ये जैनब का केस है, मुझे उन पेरेंट्स के साथ मैं कोई बड़ी जस्टिफिकेशन दे के, आई डोंट वांट टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट हियर, कि मैं बस सिर्फ मैं हुकूमत का तर्जमान हूँ और मैंने डिफेंस से डिफेंस करना है, कुछ रियलिटी है जिसको मुझे एडमिट करना है, और मुझे उन पेरेंट्स के साथ इतनी हमदर्दी है जितनी आपको है, मेरी लोकेलिटी है, मेरा ये वसीब है, यहाँ मैं रहता हूँ, मुझे उस दुख का एहसास है, हम इन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई हमने, तो मुझे सिर्फ इस चीज़ का कहने का हक दें कि ये वाक्यात जो हैं मुझे भी उसी तरह से मुतासिर करते हैं, और मेरी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने इन परपेट्रेटर्स को इनकी प्रिवेंशन भी करनी है और इन क्राइम्स को डिटेक्ट भी करना है, और आपको भी असिस्ट करना है, आपको इन्फॉर्म करना है मैंने कि अभी तक हमारी क्या कारकर्दगी है। मुमकिन है कहीं आपका कारकर्दगी का तो ये हाल है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पेट्रन इन चीफ खुद
शबाज शरीफ साहब है, मगर वो एक दफा भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को नहीं मिले। मैं आखिर में सिर्फ पूछती हूँ आपसे, चूंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे कर दे मुनीजे इसकी वजाहत करने दें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेंडिंग अंडर चीफ मिनिस्टर पंजाब है, आप उसको 434 मिलियन रुपीस और एग्जैक्टली आपके नोटिस में है, तो इसमें आप देखें कि कितना सब्सटेंशियल इंक्रीज है पिछले प्रीवियस ईयर्स के साथ। पैसों खर्च करने की बात नहीं है, पुलिस की ट्रेनिंग की बात है। नहीं देखिए, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, वो तो फिर ट्रेनिंग के पर्पज के लिए मुनीजियम दे रहे हैं ना। अभी देखिए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैं खुद चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए मैं उतना ही एडवोकेट हूँ जितनी आप हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वो तहफ़ मैसर हो, और मैं चाहता हूँ कि इस चाइल्ड अब्यूज से जो मेरे बच्चे हरास हैं, आई एम पेरेंट ऑफ थ्री, मुझे खुद इस चीज़ की बड़ी एक स्ट्रेस लेवल है मेरा, कि ये जो रिपोर्ट हो रहा है, जो देखा जा रहा है, जो मुआशरे की एक रिफ्लेक्शन आ रही है, इसी में मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट दिस। नाना फास वांट दिस, मलिक अहमद साहब, नाना फास वांट दिस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। इमरान फैजी साहब, मलिक अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने एक वक्फे पे जाना है, मगर वक्फे के बाद हम आपको लेके चलेंगे कसूर, और आपको याद दिलाएंगे कि 2015 में क्या हुआ, किस तरह बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर उनको ब्लैकमेल किया गया, और इस फेल की एक वीडियो भी बनाई गई। हम आपको लेके चलेंगे कसूर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कसूर में बच्चों के साथ ये सानिया पहली बार नहीं हुआ। 2015 में भी एक जिंसी ज्यादती का स्कैंडल सामने आया था, जिसकी हमने तफसीली तहकीकात की थी। आज जरूरी हो गया है कि हम इस रिपोर्ट को फिर आपके सामने लाएं, ताकि आपको पता चले कि बच्चों के साथ किस तरह जिंसी ज्यादती हुई, इसकी फिल्में बनी, और फिर इनको ब्लैकमेल भी किया गया। उस वक्त तकरीबन 280 बच्चों से जिंसी ज्यादती और फिर इस फेल की 400 वीडियो की खबरें मंजरे आम पर आईं। इस खबर ने ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि बैरून मुल्क भी बाबा बुल्ले शाह का शहर कसूर फिर बदनाम हुआ। उस वक्त भी सियासतदान गर्जे बरसे थे, वजीर आला ने DPO और राय बाबर और IG मुश्ताक को मौतल किया, जैसे कि आज भी DPO को उन्होंने मौतल किया। उस वक्त 20 मुकदमात जो थे वो FIR उनकी दर्ज हुई थी, और 2017 में इंसादे दहशतगर्दी की अदालत ने बच्चों से ज्यादती और फिर फिल्म बंदी के इल्ज़ाम में दो मुलजमान फैजान मजीद और हाशिम आमिर को उम्र कैद सजा सुनाई थी, और 7 मुलजमान को नाकाफी सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया था। इस गांव और वहां के बच्चों पर क्या बीती और क्यों ये रैकेट कानून के शिकंजे में नहीं आ सका, आइए आपको लेकर चलते हैं हुसैन खान वाला, जहां हमने ये तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट की। जब हम हुसैन खान वाला गांव में आए थे, तो हम इस इरादे के साथ आए थे कि जिन बच्चों के साथ ज्यादती हुई है उनसे हम बात नहीं करेंगे, मगर जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उन्हीं बच्चों ने कहा कि वो कैमरे पे आके अपनी बात और उनके ऊपर जो बीती है वो सुनाना चाहते हैं, शायद इसलिए हो जाए। क्या यही बात थी? जी मैम, यही बात थी कि जो दिल में हमारे बोझ है वो जरा शेयर हो जाए, तो ज्यादा बेस्ट है कि हम आपके साथ ना ये दुख दर्द शेयर कर सके। आप NCA के स्टूडेंट हैं और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में, और आप 17 साल के हैं, मगर जब आपके साथ ये ज्यादती हुई तो आपकी क्या उम्र थी? मैं 5 क्लास में था, तो एज अंदाजन 7 से 8 साल होगी तकरीबन। 7-8 साल के होंगे। कितने अरसे तक ये ज्यादती होती रही? मैं 4 से 5 साल तक तकरीबन। आपने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? मैम वो थ्रेड इस किस्म से करते थे कि प्रेशर इतना कर देते थे कि किसी से, मैं बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गया था, बिल्कुल बात नहीं करने का किसी से दिल भी नहीं करता था। गन पॉइंट पर वो थ्रेड करते थे, या वो नींद और इंजेक्शन दे के इसी तरह से वो ज्यादती का निशाना बनाते थे। इंजेक्शन देते थे आपको, नशा करवाते थे? मैम स्पाइनल इंजेक्शन थे कोई, वो जो लगाते थे, इनके चाचू है सलीम अख्तर शरादी, वो ड्रग इंस्पेक्टर था, वो इनको प्रोवाइड करता था इंजेक्शन वगैरह, नशा वगैरह दवाइयां सारी वो प्रोवाइड करता था। सलीम अख्तर शराजी कहाँ है? वो अभी जेल में है इस वक्त। इस वक्त जेल में? जी मैम। आप फिर लाहौर चले गए ताकि आप अपनी तालीम वहाँ पे कर सकें NCA के अंदर, वहाँ पे भी वो आपको फॉलो करते रहे? असल में मैम यहाँ पे मैं बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मैं छोटी छोटी बात पे घर वालों से झगड़ना, तो मैं यहाँ से भाग ही गया था बस। तो मैंने NCA में दाखिला लिया, तो मैं पार्ट टाइम नेस्ले में जॉब करता था, तो वो मेरी जो पे थी वो भी ये लोग लेते थे।
कि सिर्फ इस बात पे कि आपकी वीडियोस लीक कर देंगे लीक। तो मैम हमारे मुताबिक तो वो वीडियो सेल भी करते थे जो उनका ग्रोथ था सबके पास थी, तो गांव में ऐसा ऐसा सब बच्चों के पास आ गई। लाहौर में भी धमकाते थे, वहाँ पे भी जब मैंने FIR करवाई है तभी वो मुझे वहाँ पे ढूंढते रहे कि अपना केस वापस ले लो, फिर ये मुझे ढूंढते रहे पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके मुझे ये वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था नश्तर में वहाँ पे मुझे ढूंढते रहे, तो वहाँ पे फिर रहना मेरा ठीक नहीं था तो मैं फिर यहाँ पे आ गया, तो घर वापस आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने वाले साहब को आके धमकी दी, हमारे घर पे उन्होंने फायरिंग की, अलीम आसफ है ये इनका वालिद यहिया, इसके चाचू हैं तीको रहमान, तमजीलो रहमान, ये सारे लोग थे। सब इतनी देर खामोश क्यों रहे? मैम बात ही कुछ ऐसी थी कि हम कैसे बताते हैं, एक तो अपनी इज्जत का मसला, दूसरा घर वालों की इज्जत का मसला, तीसरा मैम वो एक बच्चा है उसको वो गन पॉइंट पर अगर थ्रेड करते हैं तो उसके साथ जो हिस्सा, तो वो मैं कैसे आपको वो बताऊँ कि क्या कंडीशन थी वो। अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे? किसी के साथ हम नजरें मिला के बात नहीं कर सकते, जैसे दिल मुर्दा हो गया बस, अब दिल नहीं करता। मगर आप तो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते थे, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ ख्वाब भी होते इतनी एक वारदात एक आपके साथ जाती हो उससे आप अपनी जिंदगी का रुख क्यों बदलना चाहते हैं? जिंदगी तो फिर जिंदगी होती है, आगे चलनी होती है। मैम सबसे बड़ी बात होती है इज्जत, जब इज्जत ही ना हो बंदे के पास तो उसकी क्या जिंदगी है? आपकी तो इज्जत है आपके साथ जाती हुई है मैम, लेकिन ये लोग ये चीज नहीं मानते। यहाँ पे जितने भी मुतासरा बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है। हमारे जो दूसरे बच्चे जिनसे हम बात कर रहे हैं ये मदरसे में पढ़ते थे जब उनके साथ ये जाती हुई, और अब उन्होंने मदरसा जाना भी छोड़ दिया है। जाती हुई तुम्हारे साथ, उसके बाद जो तुम्हारे साथ जाती कर रहे थे उन्होंने कहा कि तुम अपने भाई को भी लाओ। मैम वो थ्रेड इतना करते है गन पॉइंट पर वो मारते थे और बहुत इतना तशद्दुद करते हैं जिसकी इंतहा नहीं, और टोके दिखाते थे हम तो काट दें नहर में फेंक दें खूह में डाल दें, जो जब हम उसकी बात नहीं मानते तो फिर मारते थे, या पैसे के लिए करते थे या बैग के लिए कहते तो बहुत मारते थे ना बात मानने पर। आपको भी नशा करवाते थे? मैम मुझे कोक बोतल में इन्होंने कुछ मिलाकर पिलाया था। पुलिस से क्या उम्मीद है तुम्हें? पुलिस इनके साथ ही है, पंचायत पंचायत भी इनके साथ ही सभी। अब उम्मीद है? अब उम्मीद जेड मिल गया तो वहाँ पे वो हमारी जो मूवी बनी थी वो हमें दिखाते थे बार बार, ये आपके यहाँ पर कौन आपसे जाती कर रहा है यहाँ पर कौन। बुरा लगा? हाँ पहले बाइकर किया था, दोबारा जब हम सुभाष शरीफ के पास गया तो उन्होंने कहा आप दोबारा आप बाइकर खत्म करें और जाए, हम फिर जाए तो यही हाल थी उनकी। जिस बच्चे से हमने बात की थी उनके भाई हमारे साथ है, वो बच्चा मजबूरन अपने ही भाई को लेके जाता था जहाँ पे उनके साथ ये जिंसी ज्यादती होती थी। जो बच्चा मानता नहीं तो खुद में डाल देते। तो पढ़ाई क्यों छोड़ी? इन दरिंदों ने हमको पकड़ा, हमको कहते थे आपको सारा को बताएंगे और तुम घर जाओगे थे स्कूल में पढ़ने जाओगे सर आपको मारेंगे। जब काम करते थे तो उधर से कमाई आती थी उसका क्या करते थे? ये ले ले। अब जिस मुतासरा बच्चे से हम बात करेंगे वो बशीरा बीबी का बेटा है, ये वो बहादुर बशीरा बीबी है जिन्होंने पहली दफा आवाज उठाई और FIR लॉन्च करवाई। आपने बताया कि आप पहले मदरसे में पढ़ते थे, मदरसा क्यों छोड़ा आपने? मदरसा इसी वजह से छोड़ा कि जब मैं पढ़ रहा था तो उसी वक्त इन लोगों ने सदाती की नशा शरबत देकर, और तब मैं मदरसे में जा नहीं सकता कि अल इलाका को मेरी वीडियो जो मूवी थी वो लीक हो गई थी आज से 6-7 माह 8 माह पहले। पहले मैं उलमा की तरह तकरीर करता था, इसी वजह से अब नहीं जाता था कि अल इलाका कहेंगे ऐसे ऐसे सदाती हुई अभी जो उलमा बन रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके अभी भी डर की वजह से खामोश हैं, वो FIR दर्ज नहीं करवा सकते। नाज़रीन बच्चों से जिंसी ज्यादती का जिक्र एक ममनू मौजू समझा जाता है जिस पर बात करना इतना मुश्किल है, तो आप सोचिए किसके खिलाफ जद्दोजहद करना कितना मुश्किल होगा। रशीदा बीबी वो पहली खातून थी जिन्होंने सबसे पहले इन मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जिन्होंने इसके अपने बेटे को जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया। मैंने रशीदा बीबी से पूछा कि इसको ये FIR दर्ज करवाने में इतना वक्त क्यों लगा, तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहती है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल होता है FIR दर्ज करना इन क्राइम्स के अंदर। हमारी किसी ने बात ही नहीं सुनी, हम खुद कमजोर थे वो ताकतवर थे, मैं उनके घर काम भी करती रही हूँ, काम करने के बाद
मेरे मुझे ये रिजल्ट उनसे मिला है। फिर मैं चुप कर गई और गंडा सिंह थाने में गई और वहाँ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारी गंडा सिंह थाने वालों ने बात नहीं सुनी। किसने बात नहीं सुनी? एसएचओ ने? हाँ जी, उसने बात नहीं सुनी और ना बात सुनने की वजह से हम खामोश हो के अल्लाह का शुक्र अदा करके हम घर वापस लौट। अकमल थे एसएचओ उस वक्त जो बरतरफ हो चुके हुए हैं। एक दफा आपने थाने के अंदर कंप्लेन की, उसके बाद फिर से ये वाकया? हाँ जी, फिर से दोबारा वाकया कब्रिस्तान में जाकर। और आपने अपना काम करना छोड़ दिया? हाँ, मैं तो उसी वक्त पहले छोड़ दिया था ना काम करना। फिर क्या हुआ? फिर हमें मुजफ्फरपुर, हाँ जी, हमारे साथ सुलह करने के लिए आए हमारे घर में याया और उसकी बीवी दोनों। तो मैंने कहा हमने सुलह नहीं करनी। रशीदा बीवी और इनके खामद अपने आप को कमजोर समझते थे और इसीलिए एफआईआर कटवाने की हिम्मत नहीं। डर था कि एफआईआर तो कट जाएगी पर ताकतवर मुखालफीन का सामना कैसे करेंगे। फिर हम चुप करके बैठ के आस्ता आस्ता हमारे गांव वालों ने हाथ उठाया, हम भी उसके साथ उनके साथ। बच्चा आपका ठीक है? नहीं, वो बेहतर है। उसके पेट में दर्द ही नहीं खत्म हो रहा, उसका बुखार उतर जब पेशाब। रशीदा बीबी कहती हैं कि डॉक्टर ने उन्हें हदायत दी कि इस हादसे के बाद वो अपने बेटे का मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं, पर इस गरीब खानदान के पास मेडिकल टेस्ट कराने के पैसे भी नहीं। अफसोस कि रशीदा बीबी को तवील अरसे के बाद पता चला कि इनके बेटे के साथ बार बार जिंसी ज्यादती होती रही और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी जारी रहा। आपको तभी पता चला जब आपने वीडियोस? हाँ जी, किसी ने आपको बताया कि हमारे गाँव वालों ने देखा? फिर मैंने देखी उस दिन की मैं चार बजे लेटी हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं। इतनी डरी हुई क्यों हैं आप? उनकी डर की वजह से, खौफ की वजह से रात को नींद नहीं आती। पता नहीं हमारे वो जब आ जाएंगे तो हमारे साथ क्या वो करेंगे। नाज़रीन, इसी वजह से रशीदा बीबी ने भी एफआईआर जो थी वो दर्ज नहीं करवाई थी। नाज़रीन, हर कहानी के दो रुख होते हैं। उस वक्त पंजाब हुकूमत ने मुलजमान के रिश्तेदारों को भी धर लिया था, जो हाथ लगा उसको हिरासत में ले लिया था और फिर हुए मुपैना मुकाबले, इनकाउंटर जिनको कहते हैं। शायद इसीलिए तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं हो पाई और शायद गायब हो गए। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये मामला तो कई अरसे से चल रहे हैं मगर इन लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। अगर हम पुलिस को अब भी ट्रेन नहीं करेंगे तो ये मामलात इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की तरफ, पेरेंट्स की नहीं होती, पूरी स्टेट की होती है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे जो टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं वो इसी पे खर्च होने चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले और हमारे जो बच्चे हैं वो महफूज रहें, ना कि अच्छी रोडें बने जिनके ऊपर हम चलें तो क्या फ़र्क पड़ता है अच्छी रोडों के ऊपर। नाज़रीन, मैं सिर्फ आज ये शो इस बात पर ख़त्म करूँगी कि ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। आज भी अगर ख़तरे की घंटी नहीं बजी और आज भी अगर खाली वादे होते रहे और अपोजिशन इसके ऊपर सियासत करती रही, नाज़रीन, हमारा मुस्तकबिल भी वही होगा और उसी तरह ही कूड़े में फिका हुआ नज़र आएगा जिस तरह के वो बेचारी ज़ैनब का हशर हुआ था। तो अब भी वक्त है, मैं समझती हूँ कि हमें भी सुधरना चाहिए, सियासतदानों को भी सुधरना चाहिए और इसके ऊपर अब मज़ीद सियासत की कोई जगह नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।